खुश रहो बेटा। नहीं, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देता हूँ। ठीक है बेटा। अरे वाह, आज आलू के पराठे बनाए तुमने। आपको पसंद है ना आलू के पराठे? हाँ। से आज मैंने सुबह उठ के ही बना लिया था। कितना ख्याल रखते हैं बेटा तू मेरा। अब आपका ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका ख्याल रखूंगा। चलिए जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर वो सरिता आंटी के यहाँ जाना है सत्संग के लिए, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। और सुन, मेरी शाल भी रख लेना। हाँ, मैंने ऑलरेडी रख दिए। सरिता, आज सत्संग में कितना अच्छा लगा ना। हाँ दीदी, हाँ वाकई में। अगले महीने फिर से सत्संग है कानपुर में गुरुजी का। अच्छा। हाँ, हम जाने वाले हैं वहाँ। आपको और श्याम को भी आना हो तो बता दीजिए। नहीं आंटी, वो जाने का मन तो है, पर क्या है कि ऑफिस में ऑडिट का काम चल रहा है। वैसे आपको जाना तो आप जा सकती है ना। अरे नहीं नहीं, अब इसे अकेला छोड़ के कैसे जाऊंगी। अगली बार जब गुरुजी आएंगे ना, तब हम उनका सत्संग दोबारा सुन लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप लोग बात करिए तब तक। ठीक है। कितना संस्कारी बेटा है आपका, कितनी इज्जत करता है आपकी दीदी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, जरूर पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किए होंगे। हाँ, आजकल के लड़के कहाँ शराब लड़कियाँ इन सब में बिजी रहते हैं, और आपका बेटा सच में हीरा है। दीदी, आपने इसकी शादी के बारे में क्या सोचा है? एक दो बार बात करनी चाहिए थी मैंने, तो कहता है माँ जो हमें समझे, हमारे पूजा पाठ की जो दिनचर्या है उसको समझे, ऐसी लड़की चाहिए। अब इस जमाने में ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी सरिता? है ना दीदी, हमारे सत्संग की है, पूजा नाम है उसका, उसके माँ पापा हमेशा आते हैं हमारे यहाँ सत्संग में। अच्छा। हाँ जी, वो भी एक दो बार आई है, आपने भी देखा होगा उसे। उसके पापा को हमारे श्याम जैसा ही लड़का चाहिए है, संस्कारी, पूजा पाठ में मन लगाने वाला। अरे वाह, तो फिर मिलवाओ ना हमें, क्या पता भगवान ने मेरे श्याम के लिए इसी लड़की को बनाया हो। हाँ जरूर दीदी। अरे बहन जी, सरिता जी ने आपके परिवार की इतनी तारीफ की कि हम तुरंत ही आ गए, जरा भी इंतजार नहीं किया। ये आपने बहुत अच्छा किया भाई साहब, रिश्ते की बातों में देर होनी भी नहीं चाहिए। अरे दीदी, पहले श्याम को तो बुलाइए आप। अरे हाँ हाँ, मेहमान आए थे ना तो चाय बना रहा है। श्याम बेटा, चाय बन गई, आ जाओ। जी। श्याम बेटा, ये पूजा के माता पिता हैं, पैर छुओ। जुग जुग जियो। जितना सुना था उससे भी कई ज्यादा संस्कारी है आपका बेटा। मुझे लगता है बच्चों को थोड़ी बात करने देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। श्याम बेटा, पूजा को घर दिखाओ। जी आइए। भाई साहब, आप लोग चाय लीजिए ना। सरिता जी नाश्ता लीजिए। आइए। आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, वो क्या है कि मतलब पहली बार किसी लड़की के इतने करीब खड़ा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। दरअसल मैंने कभी किसी लड़की से ऐसे मतलब बात तक नहीं किया है, तो सच में बहुत भोले हैं आप। वैसे आपको चाय बनानी भी आती है? हाँ मतलब चाय क्या, मैं तो खाना भी बना लेता हूँ और घर के सारे काम कर लेता हूँ मैं तो। हाँ। चलो अच्छा है, मुझे भी टेंशन नहीं होगी। मुझे ना घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर पापा चाहते हैं कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊँ। बहुत परेशान रहते हैं वो, बहुत रोक टोक करते हैं मुझ पे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, रात देर तक घर से बाहर मत रहो, ज़्यादा पैसे मत खर्च करो। तो मैं भी चाहती हूँ कि शादी करके किसी दूसरे के घर चली जाऊँगी तो शायद इन रोक टोक से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे आप तो मुझ पर इतनी रोक टोक नहीं लगाएंगे ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप
यहाँ आएंगी, अगर आती हैं आप तो आपका ख्याल रखना या मतलब आपका देखभाल करना हमारा एक कर्तव्य होगा। तानी कहाँ रह गए, कितनी देर हुई। अभी तक नहीं आए आज, कितनी देर हो गई है। पता नहीं क्या कर रहे हैं श्याम जी। जुग 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 बेटा, और अब जाओ, बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जी। पूजा जी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है, खाइए और बताइए कैसा बना है। क्या हुआ, लीजिए। अरे मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए, लीजिए लीजिए। अच्छी बनी है ना, आपको पता है मेरी मम्मी को भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अच्छा सुनिए, कल जो आपको कपड़े पहनने हैं ना, तो आप निकाल के रख दीजिएगा, तो मैं सोने से पहले सब आयरन करके रख दूंगा, ठीक है। वो क्या है, कल सुबह मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है, तो कहीं देर ना हो जाए, है ना। मतलब हम साथ नहीं सोएंगे? साथ में? अरे अभी पूरा किचन का काम बाकी है। वो क्या है, सोने से पहले मैं पूरा एकदम रसोई वसोई साफ वाफ करके फिर सोता हूँ। अब वो सब छोड़िए, आप ये लीजिए, खाना खाइए पहले, लीजिए लीजिए। अरे लीजिए। हाँ चलिए, मैं किचन साफ करके आता हूँ, और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, ठीक है। खाइए। अरे यार, घर से निकलने के चक्कर में ये कहाँ फंस गई मैं। मैंने तो पति मांगा था, ये पति के रूप में पत्नी जैसा फील क्यों दे रहा है। ये घर तो मेरे घर से भी ज्यादा अजीब है। कम से कम वहां सोने को तो मिलता था। अरे अच्छा हुआ आप जल्दी उठ गई। आइए लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। अरे रुको, क्या है बहू? हाँ तुम बिना स्नान के ही बाहर आ गई। चलो जाओ स्नान करके आओ, भगवान का दीपक जलाओ, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। चलो जाओ यहाँ से। तुम तो तैयार हो ना बेटा?
तो अभी बहू आती है, फिर हम चलते हैं। बहू आज हम सत्संग जा रहे हैं, तो तुम भी तैयार हो जाना। सत्संग? मैं? हाँ, वहां पे तुम्हारे घर वाले भी आने वाले हैं, तो मिलना भी हो जाएगा और प्रवचन भी सुन लेंगे। पूजा जी आप नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो फिर देर हो जाएगी मैं सत्संग के लिए। इसे क्या हुआ? मैं देखता हूँ। पूजा जी क्या हुआ आपको? ऐसे अचानक उठ के आ गई, नाश्ता भी नहीं किया मैंने, इतने प्यार से बनाया था आपके लिए। चुप, ये सब क्या है? तुम मेरे पति हो या पत्नी? जब देखो खाना खा लो, किचन साफ कर देता हूँ, आपके कपड़े प्रेस कर देता हूँ, शादी करके आई हूँ मैं यहाँ, और तुम मुझे सत्संग में ले जाना चाहते हो? अब मैं हनीमून पे जाने की बजाय सत्संग में जाकर प्रवचन सुनूंगी क्या? मैं तो बस आपका ख्याल रख रहा था। मैं कोई जरूरत नहीं है मेरा ख्याल रखने का। जिस चीज का ख्याल आपको रखना चाहिए उसका ख्याल तो आपसे रखा नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है आप एक इतना गुस्सा मत करिए, आप शांत हो जाइए। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मम्मी से कह देता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सत्संग नहीं आ पाएंगे। आपको जो करना है आप करिए, बस मेरा दिमाग खराब मत करिए। ठीक है आप शांत हो जाइए, आप बैठ जाइए आराम से, मैं जल्दी सत्संग से लौट आऊंगा। ठीक है, क्या सोचा था और क्या हो गया यहाँ? अभी मुझे आधे घंटे और एरोबिक्स करना था। ये क्या नाच लगा रखा है बहू? हाँ, और ये किस तरह के कपड़े पहने तुमने? क्या हुआ? कैसे कपड़े? और माजी से नाच नहीं कहते, इसे एरोबिक्स कहते हैं। आप अंदर चलिए, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं समझा देता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? हटो। चाची चाची आप भी ना। हाँ जय, कुछ काम था? अरे हमारी माता जी प्रसाद भेजी आपके लिए, आप लोग आए और बिना प्रसाद लिए वापस आ गए। अरे ये सरिता भी ना, धन्यवाद कहना उसे। जय बेटा अब तुम जाओ, बहुत रात हो गई है ना, संभाल के जाए। ठीक है चाची, फिर श्याम भैया। ठीक है चलिए। ये क्या तरीका है? हाँ नई नवेली दुल्हन ऐसे कपड़े पहनती अपने ससुराल में? क्यों, क्या बुराई है इन कपड़ों में? और वैसे भी आपके यहाँ नई नवेली दुल्हन को हनीमून की बजाय सत्संग चलने के लिए पूछने का भी रिवाज तो नहीं होगा ना माजी? और वैसे भी ना मुझे एरोबिक्स करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। बेटा समझा बहू को, ना समझो ना अलग बात होती है और बदतमीजी करना अलग। मैं बात करता हूँ। क्या अच्छे दिन यार, ये घर तो मेरे माँ बाप के घर से भी ज्यादा गया गुजरा है। मेरा पति पति नहीं घर की गृहिणी बना हुआ है, जब देखो घर के काम करता रहता है यार, और जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें पूजा पाठ। ऐसा लगता है जैसे उसने मुझसे शादी तो कर ली है पर उसको पता ही नहीं है कि अपनी बीवी को खुश कैसे रखना है। अरे लोग यहाँ मरते हैं कि उनका पति घर के कामों में हाथ बटाए, तेरा तो सब बिन बोले करता है, तुझे तो खुश रहना चाहिए। खुश? अरे काम के साथ साथ उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि बीवी को कैसे खुश रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है यार। हाँ फंस गई हूँ मैं। उसे पता नहीं पर तुझे तो पता है ना, तू कदम बढ़ा ना, देखना तुरंत तेरी बाहों में आ जाएगा।
कहाँ चली गई पूजा जी? पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, आप अंदर हैं क्या? पर ये सब क्या है? वैसे अच्छी लग रही है काफी, पर वो मैं दूध लेके आया था आपके लिए, आप पी लीजिए ना तो ठंडी हो जाएगी। चलिए पूजा जी, ये सब क्या कर रही हैं आप? ये सब आपको शोभा नहीं देता है। मतलब बीवी हूँ तुम्हारी मैं, तुम्हारे साथ ये सब नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? आप किसी के साथ भी नहीं करेंगी ये सब। कहना क्या चाहते हो किसी के साथ भी नहीं करेंगी? पूजा जी, मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको कितने इज्जत से देखता हूँ, आपका कितना सम्मान करता हूँ। पूजा जी, ये पाप मुझसे नहीं हो पाएगा। पूजा जी प्लीज, आप मेरे लिए देवी का रूप है जिसे भगवान ने मेरे लिए बनाया है। मैं तो आपकी जिंदगी पर सेवा करना चाहता हूँ, आपकी पूजा करना चाहता हूँ। पूजा जी प्लीज, ये सब आप मुझसे मत करें, ये सब नहीं हो पाएगा। छी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्या देख रहे हैं हम? ऐसी कौन से प्यास अधूरी रह गई थी कि जिसको बुझाने के लिए धुएं का सहारा लिया जा रहा है? अरे रे, आप तो बुरा मान गई। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो आपके शुभ चिंतक हैं। एक हमको मिलेगा एक सिगरेट आपका? ये वाली चलेगी आपको? अरे हमें तो सब कुछ चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। थैंक यू। ये ले जाओ। एक बात बताएं भाभी जी आपको, हमारे श्याम भैया ना बहुत भोले हैं, है ना? भोले नहीं, एक नंबर के इडियट हैं वो। पता नहीं ऐसे लोग शादी ही क्यों करते हैं। क्या ना भाभी जी, मुझे लगता है श्याम भैया ने आपके नाम को ना बहुत सीरियसली ले लिया। जिंदगी भर वो पूजा करते रहे और शादी के बाद भी बीवी की सिर्फ पूजा ही कर रहे हैं, है ना? पर एक बात हमारी समझ में नहीं आई, आप जैसे खुले विचारों की लड़की, मॉडर्न हॉट इस संस्कारी घर में आप पूरी जिंदगी कैसे रहेगी, वो भी देवी बनकर? नहीं रहूंगी मैं, मैंने जिंदगी ऐसे जीने के लिए शादी थोड़ी की है। नहीं रहेंगी पक्का? तो फिर क्या करोगी? निकल जाऊंगी। अच्छा,
पूजा जी आप जाइए स्नान कर लीजिए ना, वो काफी देर हो गई है इसीलिए। नहीं नहाना मुझे अभी, मेरा मन नहीं कर रहा है। और नाश्ता बन गया क्या? अगर बन गया है तो लगा दो ना प्लीज। बहू हमारे घर में बिना स्नान किए और भगवान का दीपक जलाए बिना कोई नाश्ता नहीं करता है, बताया था ना तुम्हें। मुझे इन सब की आदत नहीं है, मेरा जब मन करेगा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। क्या बदतमीजी है बहू, हमारे घर के ये उसूल है और बहू होने के नाते तुम्हें इन्हें मानना पड़ेगा। बहू आपको आज याद आ रहा है क्या कि मैं आपकी बहू हूँ? जब सारी रात आपका बेटा आपके पैर दबाता रहता है, आपके लिए खाना बनाता रहता है, तब आपको याद नहीं आता कि मैं आपकी बहू हूँ? बीवी का सुख मुझे मिला नहीं और आपको बहू के सारे सुख चाहिए। वाह क्या बोल रही हैं आप गलत बात कर रही हैं। क्या गलत बोल रही हूँ मैं? जो मेरे साथ हो रहा है ना मैं वही बोल रही हूँ। और आपको ज्यादा बुरा लग रहा है ना तो आप प्लीज जाकर मेरे लिए नाश्ता लगा दीजिए। इतनी रात हो गई, पता नहीं ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई। इतना भी ध्यान नहीं दे सकता तू बहू की? अरे देता तो हूँ, अब क्या करूँ, फोन ही नहीं उठा रही है तू। ऑफिस आने के बाद ट्राई कर रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं है। पता नहीं आखिर ये लड़की चाहती क्या है। देर लगा दी आपने, अब ठीक है? अरे हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इवन आज बहुत टाइम बाद मैंने बहुत एंजॉय किया और ये सब सिर्फ जय की वजह से हुआ है। अरे जय जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत, इतने टाइम बाद पूजा जी को इतना अच्छा फील करा आपने। ओ गॉड यू आर इम्पॉसिबल मैन। श्याम भैया फिर हम भी चलते हैं। हाँ ठीक है चलिए। रात के 10 बज चुके हैं बहू। घड़ी मेरे पास भी है सासू माँ और मैं जानती हूँ इतनी रात को ऐसे कपड़े पहन के किसी पराये मर्द के साथ उसकी गाड़ी में चिपक के बैठ के कोई घर पे आता है क्या? पराया मर्द? अरे वो तो आपके सरिता का बेटा है ना, इस हिसाब से तो वो मेरा देवर हुआ ना सासू माँ। बहू मैं बस। अरे मम्मी जी पूजा जी आप जाइए अंदर जाइए, मैं बात करता हूँ। मम्मी जी पूजा जी थोड़े अलग स्वभाव की है, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। आप क्यों टेंशन ले रही है, आप जाइए आराम करिए, मैं सब संभाल लूंगा। किसका मैसेज है? कुछ नहीं तुम सोचो। वैसे भी तुम्हारे लिए तो रात सिर्फ सोने के लिए होती है ना, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात में बाहर मजे लेने जाते हैं। मेरे दोस्त का मैसेज आया है, मैं बाहर से बात करके आती हूँ। जब से हमारे पड़ोस में आए ना भाभी जी, रात को सिगरेट पीने के पार्टनर तो मैं मिल गया। एक बात हमारी समझ में अभी तक नहीं आई भाभी, वो तो आप एकदम हॉट और एकदम मस्त, बट वो हमारे श्याम भैया को आपको देख के कुछ फील क्यों नहीं आता? फील तो बहुत कुछ होता है, तभी तो दिन रात पूजा करते हैं वो हमारी। वैसे आप फ्लर्ट कर रहे हैं क्या मुझसे? फ्लर्ट तो हम कर रहे हैं भाभी, और हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस अगर आपकी इजाजत हो ना। बस बहू कमीज बेशरम
अच्छे घर के लड़के दूसरों की बहुओं के साथ ये सब नहीं करते। अगर तू सरिता का बेटा नहीं होता ना, तो इससे ज्यादा सजा देती तुझे। अब निकल जाए यहाँ से और दोबारा कभी दिखना मत, समझा तू? अब तक लग रहा था तुम बच्ची हो, तुम्हारी नादानियों को मैं माफ कर रही थी, पर अब नहीं। तू चल अंदर मेरे साथ ही। लग रहा है छोड़ी। अरे अब, मम्मी क्या हुआ? ये ना अपनी बीवी से पूछ, इतनी रात को बाहर उस जय के साथ क्या कर रही थी? अरे तो क्या हो गया अगर 2 मिनट बात कर ली? पूरा दिन तो मैं घर पर ही पड़ी रहती हूँ, 2 मिनट के लिए बाहर गई थी और जय भी वही था, तो 2 मिनट बातें हो गई। अच्छा, और सिगरेट भी यूं ही शुरू हो गई, क्यों? सिगरेट? पूजा जी आप, अरे मैंने आज तक कभी नहीं पिया और आप है कि मतलब। तो इस बात का इतना बड़ा बवाल मचाने की क्या जरूरत है? बवाल? सुन बहू, हमारे खानदान के कुछ उसूल हैं। आज तक किसी ने ऐसी हरकत ना कभी की है ना कभी करेगा, समझी तू? शर्म। पूजा जी, अब बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? क्या बात है भाभी जी, एकदम अचानक से बुलाया आपने? घर में कोई नहीं है क्या? अगर आंटी ने देख लिया ना भाभी, फिर रात की तरह थप्पड़ खाना पड़ जाएगा हमको। कोई नहीं है तभी तो बुलाया है, और कल की बात जो अधूरी रह गई थी वो भी तो पूरी करनी है। क्या बात है भाभी जी, मतलब आप तो एकदम अलग ही अवतार में। ये आपकी कोई चाल तो नहीं है ना वो पोंगा पंडित से पीछा छुड़ाने की? अरे ये सब मैंने अपने लिए किया है। अपने लिए मतलब? आज तो बड़ी देर हो गई बेटा, खाना भी बनाना है अभी मुझे। अरे माँ जी, वो ना बहुत भूख लग रही थी तो जय ने खाना ऑर्डर कर लिया, बहुत टेस्टी है, आइए आप भी खाइए ना। मेरे बरसों की तपस्या को भंग कर दिया तूने, हाँ? मेरे घर में मांसाहारी खाना लेके आई? राम राम राम, ये क्या किया तूने? पूजा जी ये सब क्या है? आपने कभी बताया नहीं कि आप ये सब खाती हैं? बताया नहीं क्योंकि आपने कभी पूछा ही नहीं,
ये ना करो वो ना करो, आपसे बंद कमरे में तो कुछ होता ही नहीं है। तुम एक काम करो, मेरी एक तस्वीर बनाओ और उसको अपने कमरे में लगा लो और दिन रात उसकी पूजा कीजिए, क्योंकि मैं आपकी बीवी तो हूँ नहीं, देवी हूँ देवी। तुम घुटता है मेरा इस घर में, परेशान हो गई हूँ मैं। और क्या, हाँ हाँ मैं ऐसी ही हूँ। और अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना है ना, तो आप एक काम करिए, एक वकील करिए और मुझे डाइवोर्स दिला दीजिए। जाते जाते श्याम की प्रॉपर्टी के आधा हिस्सा मेरे नाम करा देना। आपको पता है आप क्या बात कर रही है? डाइवोर्स, शेयर, ये क्या क्या बोल रही हैं आप? मैं वही बोल रही हूँ जो आपने सुना। अगर आपने मुझे तलाक नहीं दिया ना, तो मैं सबको बता दूंगी कि आपका बेटा नामर्द है। चिल्लाइए मत, आपको नहीं पता क्या, 3 महीने हो गए शादी को, कभी आपके बेटे ने क्या मुझे हाथ लगाया है? और जब भी मैं इसको हाथ लगाने की कोशिश करती हूँ, अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो मेरे लिए देवी समान हैं। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इससे। तो आप ही बताइए, क्या आपका बेटा नामर्द है? जय, तुम एक काम करो, ये खाना ले जाओ, कल मिलते हैं। वैसे भी इन्हें थोड़ा टाइम चाहिए होगा सोचने के लिए। पूजा जी, देखिए मुझे पता है आपने बाहर जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ गुस्से में कहा है, आपका ऐसा कोई मतलब था नहीं, है ना? अरे हमने तो शादी किया है, अग्नि के फेरे लिए, आप थोड़ी मुझे छोड़ के चली जाएंगी ऐसे ही। मुझे जय पसंद है और मेरे और जय के बीच में सब हो चुका है। सबका मतलब तो तुम समझते ही होगे ना? इतना शौक क्यों हो रहा हो तुम ये सब सुन के? ये सब तो तुम्हें समझ ही नहीं आता ना? मतलब एक पत्नी को क्या चाहिए तुमको पता ही नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए देवी हूं ना, तो मुझे तो अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देखो तुम एक काम करो, चुपचाप मुझे डाइवोर्स दे दो, वरना जिंदगी भर ये नामर्दी का टैग लेकर घूमोगे। और डाइवोर्स तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। लीजिए, अपने बेटे से इस तलाक के पेपर पर साइन करवा लेना और आप भी अच्छे से पढ़ लेना। ज्यादा नहीं, इसने उसके हिस्से की आधी प्रॉपर्टी मांगी है एज एलिमनी, और मना करने का सवाल तो बनता ही नहीं है, वरना क्या मुंह दिखाएंगे आप अपने सत्संग वाले लोगों को जब उन्हें पता चलेगा कि आपके बेटे में तो मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है। हेलो, हाँ जय, नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। हाँ चलिए, अभी मैं जा रही हूँ, आज फिर से मेरा नॉनवेज खाने का मूड कर रहा है, और आने से पहले ये साइन करवा दीजिएगा, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए अब।
औरतों की इज्जत करने को कहा था, देवी बना के पूजने को नहीं। देख क्या हुआ, आज वो लड़की हमारे घर और इज्जत की धज्जियां उड़ाने पे तुली है, ब्लैकमेल कर रही है हमें। तू उसे तलाक दे और मुंह मांगी रकम भी, वरना वो तेरे भोलेपन और आदर का नामर्दगी बता के समाज में हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी बेटा। हाँ तो मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, यही करना पड़ेगा। इज्जत दिया, सम्मान दिया, लेकिन बदले में उस जय के साथ। क्या कह रहा है बेटा? बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। माँ मेरे दिल में सिर्फ उसके लिए प्यार था, लेकिन उसके लिए तो प्यार का कुछ और ही मतलब था। उसने कभी मेरे से प्यार किया ही नहीं, उसे सिर्फ अपने परिवार से छुटकारा चाहिए था, जो उसे मिल गया जय के साथ। इस हद तक जा चुके कि वहां से वापस आने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। क्या कुछ नहीं किया, इज्जत दिया, सम्मान दिया, लेकिन किस काम का है? आपका संस्कारी बेटा सब कुछ हार चुका है, जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। मां मैं क्या मुंह दिखाऊंगा किसी को यार, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। पूजा जी घर आ गया आपका, संभालिए अपने आप को, गिरना नहीं, नहीं नहीं संभालिए पूजा जी अपने आप को, आपकी अगर आपकी सास ने देख लिया ना तो भी तमाशा खड़ा कर देगी। अरे हट, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरा कोई पति है ना मेरी कोई सास है, कुछ दिनों में मैं फ्री बर्ड बन जाऊंगी और जहां मन करेगा वहां घूमूंगी और जो मन करेगा वो करूंगा। एक बात बताइए पूजा जी, आपकी उस नई जिंदगी में हमारे लिए कोई जगह होगी? आपके साथ ही तो ऐश मारने वाली हूँ मैं। चाची वो पूजा जी थोड़ा सा बात थी, मैं छोड़ने आ गया फिर। अरे सासू माँ कैसी हो आप, आ जाओ चल। पीकर आई हो? मन कर रहा था तो थोड़ी सी पी ली। मन पे काबू नहीं है ना तुम्हारा? ओहो फिर से शुरू मत होना, वैसे भी अब आप मेरी सास थोड़े हो। अच्छा ये बताओ आपके संस्कारी बेटे ने मेरे डाइवोर्स पेपर पर साइन किया कि नहीं किया? ये ले। मैंने अपने बेटे की शादी कराई थी ये सोच के कि उसकी जिंदगी सवर जाएगी, एक लड़की आएगी जो उसका ख्याल रखेगी, उसके साथ प्यार से रहेगी। मेरा बेटा तो शादी करना भी नहीं चाहता था, पर मैंने उसे मनाया। ए बुढ़िया फिर से चालू मत कर, बस सीधा सीधा ये बता तेरे बेटे ने साइन क्यों नहीं किया? मेरा बेटा हीरा है, हीरा, और हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, तुम जैसे लोगों को नहीं। अगर मेरा बेटा तेरे डिवोर्स पेपर को साइन कर देता है तो वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, और अगर वो डिवोर्स पेपर साइन नहीं करता है तो तू उसे मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ेगी, है ना? 10 बार एक ही बात कर चुकी हूँ, कहाँ है वो, बुला उसे, वो आकर डिवोर्स पेपर पर साइन करे। श्याम 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 कहाँ हो तुम, बाहर आओ श्याम। माँ जी क्या कर रहे हैं आप? चुप, एकदम चुप।
तुझे मार के मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लूंगी और अपनी गलती भी सुधार लूंगी, समझी तू? Yeah.